सुप्रभात मेरे मध्य प्रदेश वासियों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश सतवानी। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पीडियाट्रिशियन हूं। मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता सतवानी, वो भी एक पीडियाट्रिशियन है। आज हम आप लोगों के साथ अपनी कोरोना वायरस जर्नी शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर होने के नाते हमें पेशेंट्स देखने पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है, और मैंने भी कुछ पेशेंट जिनको कोरोना वायरस था उनकी देखभाल की। 31 तारीख की शाम को मुझे अचानक से कमज़ोर महसूस होने लगा, मेरे को गले में दर्द था, और 1 अप्रैल को मुझे अचानक बहुत शरीर में कमज़ोर महसूस होने लगा। उसके अलावा पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये दर्द जो देश में लोगों को डेंगू का बुखार होता है, जिसमें कि हड्डी तोड़ दर्द होता है, वैसी ही फीलिंग थी। दर्द 2 दिन तक रहा बहुत ज़बरदस्त, और कमजोरी भी 2 दिन तक रही बहुत ज़बरदस्त। 3 अप्रैल की रात को और 4 अप्रैल को मुझे जोर से बुखार आने लगा, लगभग 101 से 102 डिग्री के बीच में, और काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। बुखार ठीक न होने के कारण मैं इमरजेंसी रूम गया, वहाँ पे अपने इन्वेस्टिगेशन करवाए। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो नाक का जो स्वाब होता है वो लिया, और चेस्ट एक्सरे किया। नाक के स्वाब में कोरोना वायरस पाया गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा चेस्ट एक्सरे था उसमें न्यूमोनिया नहीं था। इमरजेंसी रूम में मेरे को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई चालू की गई थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के बाद मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट हुए। सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ पेट में दर्द, उल्टियाँ आने लग गई बहुत ज़बरदस्त, उसके कारण मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं ले पाया। परंतु हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जितने भी डोजेस लिए उसके बाद मेरा बुखार ठीक हो गया। 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक मुझे कमजोरी महसूस हुई, और 8 अप्रैल के बाद मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे बेहतर होने लगे। और आज 12 अप्रैल है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। इन लगभग 2 हफ्तों का जो सफ़र था काफ़ी मुश्किल था। हमें कई बार ऐसा लगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे शायद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इस दौरान मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता सतवानी ने मेरी केयर की, और मैं डॉक्टर सतवानी को बोलूँगा कि वो आपको बताएं कि उन्होंने मेरी कैसे केयर की, जो कि आप भी अपने घर में जो आपके सदस्य हैं अगर उनको कोरोना वायरस है तो आप उनकी केयर कर सकते हैं। वैसे नमस्कार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वायरस जो है वो बहुत ही सिवियर है और आपको बहुत कमज़ोर कर देता है, तो आप सबसे पहले तो हिम्मत ना हारें। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्ट लाइकली आप अच्छे हो जाएंगे, जैसे हम दोनों हो गए हैं अभी। तो अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए या घर में किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो सबसे पहले आप ये करें कि अपने आप को दूसरों से अलग कर लें, और उसके अलावा अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क पहन सकते हैं। आप ध्यान रखें कि अपने हाथ हमेशा धोते रहें, और आपके पास सैनिटाइज़र है तो हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ करते रहें। जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है या मदद करती है वो है बहुत सारा गर्म पानी। अगर आप बहुत सारा पानी पियेंगे, और उसमें अगर आप चाहें तो अदरक और जो टर्मरिक का रूट होता है उसका जूस निकाल के वो भी उसमें डालकर और गर्म करके पी सकते हैं। तो ध्यान रखें कि बहुत सारा पानी पिएं। हर 10 मिनट में आपकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप हर 10 मिनट में एक एक सिप करके लेते रहें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हेल्प करती है वो है नमक पानी से गार्गल करना, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है स्टीम या भाप लेना। तो अगर आप इतना ही 3-4 चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बदन में दर्द के लिए और बुखार के लिए पैरासीटामोल या टायलेनॉल ले सकते हैं। ज़्यादातर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या खांसी हो रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर
कॉल करें. आई एम श्योर ये छोटे छोटे तरीकों से और पानी से आप पीने से आपका जो है सेहत बेटर हो जाएगी. जो सबसे मेन मुद्दा है, जैसे कि आप न्यूज में सुन रहे हैं कि काफी लोगों की डेथ हो रही है, और जो डेथ हो रही है वो न्यूमोनिया होने के कारण हो रही है. तो जो बहुत जरूरी है कि आप अपने लंग स्वस्थ रखें. अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक करना बंद कर दें. और न्यूयॉर्क सिटी में जो काफी डेथ्स हुई हैं, जो बुजुर्गवार हैं 65 साल से ज्यादा, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो डेथ्स उन्हीं में हुई हैं. तो आपके घर में अगर बुजुर्गवार हैं जिनको और भी तकलीफें हैं, कृपया करके उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखिए. उनको अगर घर में किसी को भी थोड़ी भी सर्दी खांसी हो रही है तो आप अपने बुजुर्गवार लोगों को उनसे दूर रखिए. जहां तक डेटा का सवाल है, 95% से ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद. तो आपको उस डेटा पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग अभी इतनी न्यूज देख रहे हैं और न्यूज में जो सबसे ज्यादा बताया जाता है कितने लोगों की डेथ हो रही है, परंतु अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं. तो हम लोग आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस अगर हो भी जाता है तो 95% से ज्यादा चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं. तो जो लंग की एक्सरसाइज है वो करें घर में, जैसे कि आप लोग योगा देखते ही होंगे, कपालभाति एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए. और गुब्बारे फुला सकते हैं और जस्ट लंग को ओपन रखने की जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करें करिए. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आपका जो नाक है वो बंद हो जाता है, तो जिस अगर आप भाप लेते रहेंगे तो आपका नाक खुला रहेगा, उससे शरीर में ऑक्सीजन, लंग्स में ऑक्सीजन जाता रहेगा और शरीर में ऑक्सीजन जाता रहेगा, उससे आपको प्रॉब्लम होने की कम संभावना है. तो मैं और सुनीता आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहेंगे ये वीडियो देखने के लिए, और हमें बहुत उम्मीद है कि आप लोग को कोरोना वायरस नहीं होगा. अगर हो भी जाएगा तो मोस्ट ऑफ यू विल गेट बेटर. सो गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.